आवाज आ रही है बेटा सभी को? तो देखिए डेरिवेशन कर रहे थे हम इम्पीडेंस के लिए, ठीक है। तो जेड हमारा हो गया वी बाई आई के बराबर, और वी बाई आई हमको हमारे जो मिला है 4Z11 मिला है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4Z11, 4Z11 हो गया ये, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा इम्पीडेंस है, ठीक है, 4 टाइम Z11 मीन्स Z11 इज द डाइपोल, फर्स्ट जो हम फर्स्ट डाइपोल यूज कर रहे हैं उसका इम्पीडेंस है। तो हाफ डाइपोल का इम्पीडेंस कितना होता है? 73 ओम होता है, ये हमें पता है। तो ये हमको मिल जाएगा 292 ओम। कितना मिल जाएगा? 292 ओम। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, प्रूफ हो गया ये। बताइए तो हमको यही, इसी को हम रेडिएशन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इनपुट इम्पीडेंस या रेडिएशन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका आ गया, दैट इज यू ऑल्सो नोन एज टर्मिनल और इनपुट, इसके कई नाम है, और दैट यू कैन से रेडिएशन रेजिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 292 ओम आ गई। तो यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज हैंस प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सिमिलरली इफ यू हैव 3 डाइपोल्स, 3 डाइपोल अगर हुए आपके पास, या 3 आर्म हुए, ठीक है, 3 फोल्डेड डाइपोल आर्म्स अगर हुई, तो उस केस में अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज से बताता हूं मैं। सपोज यू हैव, If you find the radiation resistance of a folded dipole with 3 arms, मान लीजिए 3 arms हैं, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, अगर 3 आर्म्स हैं, लाइकवाइज अगर हम डायग्राम फॉर्म में देखें, तो डायग्राम फॉर्म में हमारे पास जैसे यू कैन सी वी हैव ए 3 आर्म्स, ठीक है, वी हैव ए 3 आर्म्स, ठीक है, लाइक वाइज है, ठीक है। अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट, ठीक है, सो वी हैव ए 3 आर्म्स, ठीक। सो ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं, दिस इज योर, दिस इज स्पेसिंग बिटवीन दीज टू इज इक्वलिटी, इसको हम बोलते हैं फीड पॉइंट, जहां से हम फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, फीड पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सर्किट अगर आप देखेंगे इस, ये बेसिकली जो डायग्राम बना है, फिगर इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड द 3 आर्म्ड फोल्डेड डाइपोल,
folded dipole. ठीक है, दिस इज योर थ्री थ्री आर्म फोल्डेड डाइपोल. अगर ऐसी सर्किट देखते हैं तो सर्किट वाइज यू मे रिप्रेजेंट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द सर्किट. मीन्स यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो आई थ्री है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो आई टू है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो आई वन है. ठीक है, दिस इज आई वन आई टू आई थ्री. सब में हमारे एसी सोर्स लगे हुए हैं. ठीक है, थ्री आर्म्स है इसलिए तीन आर्म्स दिख रहे हैं. ठीक है, तीनों में करंट आई वन आई टू आई थ्री है. यहाँ पे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे टू आर्म्स में वी बाई टू हो रहा था, यहाँ वी बाई थ्री होगा थ्री आर्म्स में. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आर्म, दिस इज सेकेंड आर्म, दिस इज थर्ड आर्म. ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ थ्री आर्म्ड फोल्डेड डाइपोल. ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ थ्री आर्म्ड फोल्डेड डाइपोल. ठीक, नाउ अब इसके अगर हम डेरिवेशन पार्ट पे जाएं, ठीक है, सो यू कैन सी फॉर इक्वल डायमेंशंस क्या हो गया, आवाज आ रही बेटा? फॉर इक्वल डायमेंशन, हम डायमेंशंस इक्वल मान के चल रहे हैं. ठीक है, डायमेंशंस इक्वल होने का मतलब है सारी करंट हमारी इक्वल होंगी. मीन्स आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री इज इक्वल टू आई, जैसे हमने टू डाइपोल वाले में भी किया था, जहाँ पे हम दो ही डाइपोल ले रहे थे वहां पे भी दोनों करंट को हम इक्वल ले रहे थे. ठीक है, इक्वल डायमेंशन का लेके ही सॉल्व किया था हमने, जब हमने आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई रखा था. ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर हम मान के चल रहे हैं, इन दैट केस आपका अगर वी बाई थ्री हम देखें तो वी बाई थ्री क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम रख रहे हैं आई इन टू थ्री जेड वन वन आ जाएगा. जैसे पीछे देखिए, हमने जब वी बाई टू क्या किया था, आई इंटू टू जेड वन वन किया था, क्योंकि दो ही डाइपोल यूज हो रहे थे हमारे. ठीक है, ऐसे ही जब थ्री डाइपोल यूज करेंगे तो यहाँ वी बाई थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू आई इंटू थ्री जेड वन वन आ जाएगा, तो आई इंटू थ्री जेड वन वन आएगा. सिमिलर केस, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई को आप इधर ले जाइए नीचे की तरफ तो वी बाई आई हो जाएगा, थ्री को इधर ले जाइए तो थ्री इंटू थ्री जेड वन वन हो जाएगा. ठीक है, और जेड वन वन आपका कितना है, ये नाइन जेड वन वन आ जाएगा, और जेड वन वन की वैल्यू कितनी है, 75 है, सॉरी 73 है. एक डाइपोल एंटीना का जो इम्पीडेंस है वो कितना होता है, हाफ डाइपोल का 73 ओम. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 657 ओम आ जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इफ यू सी, इफ यू सी नाउ, तो ये कहने का मतलब हमको क्या मिल गया, तो मिल गया जो जनरल आर आर इज इक्वल टू जेड आई इज इक्वल टू 657 ओम मिल गया. ठीक है, फॉर थ्री डाइपोल एंटीना. ठीक है, ये आपका आ गया. तो इन जनरल अगर हम लिखें, अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें, तो अगर हमारे पास कितने भी डाइपोल हो, तो अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, आपके पास फोर डाइपोल हैं, तो इन जनरल आप कैसे लिखेंगे, तो इन जनरल हम इसको अगर फॉर्मूले फॉर्म में देखें तो ये हमारा आ जाएगा के स्क्वायर इंटू 73 ओम. यहाँ पे के क्या है, के आपके नंबर ऑफ आर्म्स हैं. के क्या है, मान लीजिए आपको नंबर ऑफ आर्म्स पता है, जैसे थ्री आर्म्स का फोल्डेड डाइपोल है या फोर आर्म्स का है, तो आप के रखिए, इसका स्क्वायर करिए, 73 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको सीधे इनपुट इंपीडेंस मिल जाएगा. हाँ सर, आ रहे हैं. अच्छा अच्छा ठीक 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 आ रहे हैं भैया. ठीक 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 हेलो, आवाज आ रही बेटा? के जो है वो
वो नंबर ऑफ आर्म्स है, ठीक है। तो जो इम्पीडेंस है, वेयर यू कैन से द इम्पीडेंस हमारा जो डिपेंड करता है, इम्पीडेंस ऑफ अ डाइपोल एंटीना डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें, स्पेसिंग बिटवीन डाइपोल्स, स्पेसिंग बिटवीन डाइपोल्स, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है, किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ डाइपोल, ठीक है, रेडियस ऑफ डाइपोल्स इस पे डिपेंड करता है। तो जैसे केस वन की अगर हम बात करें, केस वन की हम मान के चलते हैं कि रेडियस जो हमारी डाइपोल की है आर, रेडियस ऑफ डाइपोल्स आर, सपोज आर वन एंड आर टू, देन, ठीक है। अगर आप रेडियस आप पहले केस में मान के चल रहे हैं डाइपोल्स की आर वन एंड आर टू है, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? 73 ब्रेकेट में 1 प्लस आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। केस टू क्या है? इफ द रेडियस, रेडियस जो है डाइपोल्स की आर आर वन एंड आर टू एंड डी इज द स्पेसिंग, डी इज स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। अगर डी हमारी स्पेसिंग है बिटवीन एलिमेंट्स, देन उस केस में जेड आई की वैल्यू क्या होगी? 73 ब्रेकेट में 1 प्लस, ये जो 1 है बिल्कुल सेंटर में आएगा, 1 प्लस, ठीक है, लॉग डी बाई आर वन अपॉन लॉग डी बाई आर टू इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर स्पेसिंग गिवन है आपको एलिमेंट्स के बीच में, दैट इज डी, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, और आर वन आर टू डाइपोल्स की रेडियाई है, मीन्स डायमीटर, ठीक है। तो आप उसमें इनपुट इम्पीडेंस इस तरह से डाइपोल एंटीना के लिए निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ठीक। इससे अगर आप इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला है, वो भी लिख लीजिए, देन आई कैन एंड द मीटिंग, क्लियर। जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है, दैट इज हमने आपको बताया 73 इंटू के स्क्वायर अभी बताया था, ठीक है। इसमें डाइपोल में आप 73 इंटू बी, बी हमारा क्या है? बी यहाँ रिप्रेजेंट करता है इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वेयर बी इज इम्पीडेंस, अगर इस फॉर्म में आपको गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, दिस इज इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और बी की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस, यहाँ बी क्या है हमारा? 1 प्लस लॉग डी बाई आर वन अपॉन लॉग डी बाई आर टू, ये है हमारा ये, ठीक है, दैट इज दिस, इसको हमने बी लिख दिया है, ठीक है, दिस इज योर बी, 1 प्लस लॉग डी बाई आर वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म रेशियो, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो गया ओवर, दिस इज नाउ ओवर। अब अगला जो हमारा लास्ट एंटीना है बेसिकली, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, दैट इज योर लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है, लॉन्ग वायर एंटीना अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, हेडिंग डाल के छोड़ दे रहा हूं मैं, लॉन्ग वायर एंटीना, लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है,
ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद ये यूनिट ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगी हमारी, फोर्थ यूनिट. ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आइए हम तो आप लोग की अटेंडेंस ले लेते हैं. नाउ आई कैन टेक द अटेंडेंस ऑफ यू ऑल. ये मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, दिस आई विल शेयर यू ऑल द नोट्स. आई विल शेयर यू. ठीक है, जैसे ये फोल्ड, ये हमारा नेक्स्ट एंटीना हो जाएगा, आई विल शेयर यू द नोट्स ऑल्सो ऑफ कंप्लीट फोर यूनिट. ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग बेटा. ओके, रोल नंबर जितने लोग प्रेजेंट हैं सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए. जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. सेवेंटी. जो लोग की वीडियो नहीं ऑन होगी उनको मैं एब्सेंट कर दूंगा बेटा. सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए. मैं एब्सेंट लिस्ट बता दे रहा हूँ, जो जो एब्सेंट है एक मिनट सुन लीजिए. रोल नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है, देन 71 मानसी खरे. एब्सेंट वाले बच्चों का बता रहा हूँ मैं. ठीक है, 73, 75, 78, 79, 85, 86, 87, 89, 90, 90, 89 और 90, ठीक है, देन 94, 95, 99, 101, 102, देन 107, 109, 110, 116, 117 और 119, ठीक है. बाकी तो नहीं है कोई इसमें जो प्रेजेंट है? बाकी सब प्रेजेंट हैं, जितने लोगों का बताया इतने लोग एब्सेंट हैं. ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू. ट्यूट सभी लोग शेयर कर दीजिए, आज या कल मैं मार्क्स चढ़ा दूंगा.